ये खंभे लगे हुए, इसी खंभे के साथ येलो कलर का बोर्ड, पीला कलर, पीले कलर का बोर्ड है, उसी में लिखा होगा विदाय अराफात और इंग्लिश में लिखा होगा अराफात स्टार्ट हियर, यानी कि इसके अंदर की तरफ से ये पूरा का पूरा अराफात का मैदान। ये अभी दूसरा खंभे के साथ ही येलो कलर का बोर्ड है, यहाँ से ये देखिए ये येलो कलर वाला बोर्ड, ये येलो कलर का बोर्ड है, ये अराफात की हद है। इसके अंदर की तरफ ये अराफात का मैदान है, ये पूरे अराफात के अंदर दरख्त लगाए गए हैं, इस अराफात के अंदर हाँ बहुत दूर तक जाएगा इंशाल्लाह, इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अभी अराफात के मैदान की तारीफ सुने, अराफात का मैदान वो मैदान अराफात है जिस मैदान अराफात के अंदर नौ जुलहजा के दिन दुहजाज करम हज के लिए आते हैं, सब इसी जगह जमा होते हैं और हज इसी अराफात से शुरू होता है। अराफात नाम ही हज का है, यहाँ आना फर्ज है। अगर कोई बंदा अराफात नहीं आया, बाकी मुजन पा गया, मीना गया, शैतान को कंकरियां मारी और कुर्बानी की तबाह किया, सब कुछ किया, लेकिन अराफात नहीं आया, उसका हज अदा नहीं होगा, फिर अगले साल के लिए इंतजार करेगा, क्योंकि यहाँ आना फर्ज है। और यहाँ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुकूफ यात्रा जरूरी है। ये मस्जिद जिसके सामने दो मीनार और तीन गुंबद है, ये अराफात से बाहर है, सामने वाला हिस्सा कुछ मस्जिद का हिस्सा सामने वाला जो है ये अराफात से बाहर है, बाकी जो हिस्सा है इसी मस्जिद निमरा का अराफात में दाखिल है। अराफात का मैदान इसका दूसरा नाम मैदान हशर भी है, जो हमारा हशर का मैदान लगेगा इसी अराफात ही में लगेगा, इसका दूसरा नाम। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते रहते हैं, आज के दिनों में ये हेलीपैड बनाए गए हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं जो हुजाज इकराम बीमार होते हैं उनको यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लेकर आते हैं। फिर ये मस्जिद है, मस्जिद निमरा में हज का खुतबा होता है और इसी मस्जिद में पूरा साल में सिर्फ दो नमाजें अदा की जाती हैं, मस्जिद निमरा। यहाँ से देखते हुए जाएंगे, ये मस्जिद निमरा है जिसमें हज का खुतबा अदा होता है, जो आपने टीवी में देखा होगा आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ की ज्यारत कर रहे हैं, जिस मस्जिद में हज का खुतबा अदा होता है और इसी मस्जिद में पूरा साल में सिर्फ दो नमाजें अदा की जाती है। ये सामने वाले दो मीनार तीन गुंबद अराफात में दाखिल है, ये पीले पीले बोर्ड आ रहे हैं और पीछे की तरफ से पीले पीले बोर्ड आ रहे हैं येलो कलर वाले, ये सारा मस्जिद का जो है ना थोड़ा सा गुलाई वाला हिस्सा अराफात से बाहर है, बाकी पीछे वाला हिस्सा अराफात में दाखिल है। अगर कोई हाजी हज अदा करने के लिए पूरा दिन इसी मीनार, ये जो सामने वाले मीनार है तीन गुंबद है, इसी के नीचे बैठा रहेगा, उसका हज अदा नहीं हो जाएगा। इसलिए अराफात के जो पीले बोर्ड है तकरीबन 30-25 साल पहले के लगाए हुए हैं, ये पाकिस्तान से तमाम नाक आए हुए हैं और जो मट्टी है अराफात के अंदर ये भी पाकिस्तान से आई हुई है, शिप के जरिए से यहाँ पहुंचाई गई है, ये हमारे पाकिस्तान को एजाज हासिल है कि यहाँ के दरख्त अराफात के और यहाँ की मट्टी पाकिस्तान से आई हुई है। येलो कलर के बोर्ड अभी उल्टे हाथ की तरफ से आएंगे, उल्टे हाथ की तरफ से येलो कलर के बोर्ड आएंगे, यहाँ से देखते हुए जाएंगे येलो कलर के बोर्ड पीले पीले जहाँ से नजर आ रहे हैं, ये अराफात की हद है, इस हद के अंदर रहना होता है हुजाज इकराम में। अभी हम यहाँ से बोर्ड क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, ये हमने ये बोर्ड क्रॉस कर लिया, ये वाला पीला बोर्ड अभी सब पढ़ लेंगे।